हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफिस या सरकारी कर्मचारी अगर मान लीजिए हनी ट्रैप या नूप वीडियो कॉल स्कैम में फंस रहे हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया साइट पे बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है, तो उनका क्या होगा? बाकी वैसे तो मैंने दो वीडियो इस पे बनाए हुए हैं ऑलरेडी पहले से, लेकिन आज का जो वीडियो है ये खाली मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बनाया, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल थे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर मान लीजिए ऐसे स्कैम में फंसे तो उनका क्या होगा, उनकी नौकरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया हुआ है। तो अब आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो मान लीजिए जो भी हनी ट्रैप में या नूट वीडियो कॉल स्कैम में अगर फंस रहे हैं तो उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा भारतीय सेना की। तो भारतीय सैनिकों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो वो तो ये जान लें कि अगर वो स्कैम में ऐसे फंसे और वीडियो उनका वायरल हो गया गलती से, तो उनका तो कोर्ट मार्शल तय है, क्योंकि ऑलरेडी वर्ष 2020 में भारतीय सेना के तरफ से, मुख्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो 87 ऐप ऐसे हैं या 87 साइट्स ऐसी हैं जिनका उपयोग भारतीय सेना नहीं कर सकती है, मतलब भारतीय सेना के अधिकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐप का इस्तेमाल किया तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, मतलब उनको सैन्य सेवा में नहीं रखा जाएगा। इस आदेश के विरुद्ध में कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नहीं, ये आप दो में से एक चुन लीजिए, या तो आप सोशल मीडिया साइट चुन लीजिए या आप नौकरी कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि सैन्य कर्मियों को तो कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, उनकी नौकरी ही खतरे में पड़ेगी। इसके बाद आते हैं जो अर्धसैनिक बल है या पुलिस बल है, तो ये भी एक अनुशासित बल है। जैसे केंद्र सरकार में मान लीजिए एक अर्धसैनिक बल है, तो भले ही इनको अर्धसैनिक लिए कहा जाता है क्योंकि इनकी तैनाती कभी कभार पब्लिक फील्ड में भी होती है, सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ पब्लिक फील्ड में भी हो जाती है, कुछ विशेष स्मारकों की सुरक्षा के लिए हो जाती है, विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हो जाती है, तो ये भी एक अनुशासित बल है। अगर ये भी मान लीजिए ऐसे स्कैम में फंसे हैं तो इनके विरुद्ध भी प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंटल हो सकती है और इनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वो भारतीय सेना की तरह ऐसा नहीं होगा कि उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, इनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक्शन हो सकते हैं। यही हाल राज्यों के पुलिस बल का है। पुलिस बल भी एक अनुशासित बल माना जाता है। आप अगर ऐसे हनी ट्रैप स्कैम में फंसेंगे तो जनता का विश्वास आपसे कम होगा। आपका वीडियो अगर किसी पुलिसकर्मी का वीडियो ऐसा वायरल हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि जनता, आम जन का जो विश्वास है वो पुलिस से कम होगा और समाज में लोग के लिए पुलिस के प्रति वैसे भी घृणा काफ़ी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अदर डिपार्टमेंट्स, तो अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, सरकारी कर्मचारी का आचरण नियमावली बनी हुई है और उस आचरण नियमावली के अनुसार सभी कर्मचारी को सच्चरित होना चाहिए, मतलब कर्मचारी का जो कंडक्ट है, बिहेव है या आचरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अभियोग पंजीकृत होता है, FIR दर्ज होती है, उसके खिलाफ चार्जशीट लग जाए और ट्रायल शुरू हो जाए, तो ऐसा पर्सन कभी भी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकता है जब तक उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है या अभियोग चल रहा है। जब अभियोग समाप्त हो जाएगा, अगर वह दोषमुक्त करार दिया जाता है, तो ही संभावना होगी कि वह सेवा में लिया जाए। वो भी डिसीजन, जो निर्णय लिया जाएगा वो भी देखा जाएगा कि निर्णय में क्या लिखा गया है, तो ही आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पहले से ही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सैन्य बल या पुलिस विभाग को छोड़ के जो अन्य विभाग हैं, न्याय विभाग में भी यही व्यवस्था है। न्याय विभाग में भी अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा होता तो हो सकता है कि वहाँ भी सेवाएँ आपके खतरे में पड़ जाएँ और आपके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं गंभीर प्रकृति का भी हो सकता है। लेकिन जो और रेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें हो सकता है आपको चेतावनी दे के ही छोड़ दी जाए, अगर आपका वीडियो कोई ऐसा वायरल होता है, ऐसा कुछ होता है तो, या आपके खिलाफ विभागीय जांच की जा सकती है, और अगर ये पाया जाता कि आप ऐसे अपराध या ऐसे अधमता में नैतिक रूप से कहीं ना कहीं आप लगातार संलिप्त पाए गए, तो आपके खिलाफ गंभीर एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो इसलिए कर्मचारी को सच्चरित होना तो अनिवार्य है, लेकिन क्योंकि उसका व्यापक असर समाज पर पड़ेगा और समाज के का विश्वास कम होगा सिस्टम में, लेकिन फिर भी यह है कि जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज प्रोसीजिंग थोड़ा सा कहीं किसी में ज़्यादा सकता है, किसी में कम है, लेकिन फिर भी कर्मचारी सच्चरित होना चाहिए। अदर भी कोई भी रीज़न हो, नूट वीडियो कॉल स्कैम छोड़ दीजिए, अदर भी कोई रीज़न हो, करप्शन वगैरह का मैटर भी है, तो ऐसे मामलों में कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर किसी के खिलाफ सेवा में रहते हुए मान लीजिए FIR दर्ज हो जाती है, तो ऐसे कर्मचारियों का भी अगर FIR दर्ज हो गई, मान लीजिए वो जेल चले गए, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। अगर उनको सजा हो गई तो उनका टर्मिनेशन भी सर्विस से किया जा सकता है। कारण ये भाई, कर्मचारी को जो है कहीं ना कहीं सेवा नियमावली से बंधा हुआ है और उसमें ये आशा की जाती है कि कर्मचारी सच्चरित होगा। पुलिस विभाग में भी बहुत से ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं
कर्मचारियों के मतलब अगर सचित नहीं पाए गए तो उनको तो मतलब उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ एक्शन लिए गए हैं, जैसे बहुत से कर्मचारियों का अपराधियों के साथ गठजोड़ पाया गया, तो ऐसे गठजोड़ के कारण उनको सेवा से टर्मिनेशन तक कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि सरकारी कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं सच्चरित होना चाहिए और उनकी सेवा पे बहुत ज़्यादा तो नहीं असर पड़ेगा कुछ विभागों को छोड़कर, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा असर आपकी सर्विसेज पर पड़ सकता है अगर आप सेवा काल में रहते हुए। खासतौर पे अभी एक मैं मैटर बताता हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर का ऐसे ही हनी ट्रैप का स्कैम, उनका वीडियो वायरल हुआ तो उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही, जाँच चल रही है। एक विशेष सचिव का उत्तर प्रदेश में, उनका भी वीडियो वायरल हुआ है और वो अपने ऑफिस में ही थे तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर तो कार्रवाई की तलवार लटक रही है, हो सकता है उनको वार्निंग देके ही छोड़ दिया जाए। उन्होंने FIR वगैरह भी यानी ट्रैप का जो स्कैम हुआ है उनके खिलाफ दर्ज करा के रखी है, उसकी भी जांच चल रही है। ये भी पता चला है कि ये सारे कुछ जो भी कुछ नूट बेटरी का स्कैम यानी ट्रैप का मैटर हो ये राजस्थान से हो रहा है, ऐसा अभी तक जाँच में सामने आया है। तो फ्रेंड्स कर्मचारियों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को ताकि मिलते रहेंगे।